हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2019 के बहुत सारे कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। और जब बात ज़्यादा आगे बढ़ी तो आरआरबी ने एक नोटिस जारी किया कि अगर आपको लगता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आप फिर से कंप्लेन करो। और ये कंप्लेन करने का मौका उन्होंने जो दिया वो 17 से लेकर के 23 तारीख तक दिया, यानी अभी भी आपके पास में टाइम है कंप्लेन करने का। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है, जब आप यहाँ पे कंप्लेन करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उसी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। तो जो भी समस्या आपको आ रही है उसके लिए ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इस रिक्रूटमेंट में अगर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो बहुत संभव है कि आपने भी ट्राई किया होगा कंप्लेन करने का, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अब तक कंप्लेन कर भी दिया है। एक बात जान लीजिए, अगर आप कंप्लेन नहीं करोगे तो आगे चल करके ये आपके बारे में कोई विचार ही नहीं करेंगे कि आपको भी मौका मिलना चाहिए या नहीं मौका मिलना चाहिए। जितने लोगों ने कंप्लेन किया है, जरूरी नहीं है कि उन सबको मौका मिल ही जाए। ये जिनको सही मानेंगे कि हाँ इनकी गलती नहीं थी, इनका फोटो सही था, इनका सिग्नेचर सही था, या इन्होंने फॉर्म सुधारने के लिए दूसरा फॉर्म भरा, उन्हीं को ये मौका देने वाले हैं, तो कंप्लेन करना जरूरी है। अब यहाँ पे जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हो कंप्लेन करने के लिए तो कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होता है जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो, और यहाँ पे आपको चुनना होता है अपना जोन। तो जिस भी जोन से आपने किया है वो जोन आपको चुनना है, और यहाँ पे सपोज करो आपने इलाहाबाद से किया है तो आप इलाहाबाद आप इसमें चुन लेते हो। और जब आप इसमें अपनी डिटेल्स डालते हो यहाँ पे, तो सबसे बड़ी कंप्लेन आ रही है लोगों की कि वो डिटेल डालने के बाद में यहाँ पे आ रहा है कि एरर बता रहा है। जैसे एरर किस तरीके का आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ही हमने यहाँ पे अपना डिटेल डाला, उसके बाद में जैसे ही हमने इसमें सबमिट किया, यहाँ पे लॉगिन किया, उसके बाद में हमको एक मैसेज शो हो रहा है, और ये हमको नहीं उन बहुत सारे कैंडिडेट्स को शो हो रहा है जो यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे रॉन्ग रजिस्ट्रेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ, ये एक मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये एक तरीके का एरर है। अब ये क्यों आ रहा है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो बहुत ही आसान सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपने रॉन्ग जोन सेलेक्ट किया है, अगर आप भूल गए हो कि आपने फॉर्म कहाँ से डाला और आपने गलत जोन सेलेक्ट किया है, तो भी इस तरीके का डिटेल आएगा। क्योंकि अभी हमने जो यहाँ पे लॉगिन किया, जिस भी कैंडिडेट का हमने लॉगिन किया उसने किसी और जोन से अप्लाई किया था और हम किसी और जोन से लॉगिन करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर हम दूसरे जोन में करेंगे तो यही ओपन हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका जोन सही है और फिर भी ये डिटेल दिखा रहा है तो उसका कारण ये है। हमने कल आरआरबी इलाहाबाद में बात करी तो वहाँ के कुछ लोगों ने बताया, ऑफिशियली कुछ वहाँ पे बाहर थे जो लोग बताए, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो स्टेटस शो हो रहा है ये उन कैंडिडेट का शो हो रहा है जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, और ये एरर उन लोगों में आ रहा है जिनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था। यानी अगर आप में जोन सही चुनने के बावजूद भी ये एरर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्टेड रहा होगा प्रोविजनली। तो अगर आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट रहा होगा तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि आपको कोई दूसरा मौका यहाँ पे नहीं मिलने वाला है अपने फॉर्म में किसी तरीके का सुधार करने का या कंप्लेन करने का। तो दो कारण है, या तो आपने जोन गलत सेलेक्ट किया है, या तो आपने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट है और उसके बाद भी आप चेक कर रहे हो। तीसरा कारण हो सकता है कि जो आपने डिटेल्स भर रहे हो यहाँ पे उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा तो ये एरर नहीं आएगा। इन तीन के बावजूद अगर आ रहा है तो आपको क्या करना है, अपने जोन पे जाना है, जिस भी जोन से आपने फॉर्म फिल किया हो, मैं दिखा देता हूँ, जिस भी जोन से आपने फॉर्म फिल किया हो वहाँ पे आपको जाना है, और उस जगह पे आपको ईमेल आईडी दी गई होगी और उस ईमेल आईडी पे मैसेज करना है कि सर बहुत प्रयास के बावजूद भी मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ और ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको इसका समाधान जरूर बता देंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो हमको ईमेल में बताएं और हमको मैसेज में बताएं, कमेंट में बताएं, और हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किसी न किसी तरीके से हो जाए ताकि 23 के पहले आप अपना कंप्लेन वहां पे कर पाओ। तो मिलता हूं फिर किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।